हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल शेयरिंग इज फन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जाऊंगी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को जो मनाया जाता है। ये 1952 यानी कि 1952 में शुरू हुआ था। तो ये इसकी हिस्ट्री अगर आप जानना चाहते हैं तो आप और जो चैनल्स हैं वहाँ जाकर देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। मैं उसकी हिस्ट्री यहाँ पे नहीं बताने जाऊँगी आपको। मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। क्या अभी के टाइम में मदर्स या फिर घर के जो पेरेंट्स हैं वो इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हम अपने घर के जो लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, उन्हें उतना प्रेफरेंस देते हैं बाकी लैंग्वेज के कंपेरिजन, जैसे इंग्लिश हो गई या फिर कोई भी एडिशनल लैंग्वेज हो गया। वो सब हम चाहते हैं कि बच्चों को सिखाएं। हम राइम्स वगैरह बच्चों को इंग्लिश में ही दिखाते हैं ताकि बच्चे जो है वो इंग्लिश में जाने, इंग्लिश में बोलें। लेकिन हम इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो मदर लैंग्वेज जो हम घर में बोलते हैं, हिंदी जैसे जिसे कहते हैं, मेरी लैंग्वेज हिंदी है तो मैं उसके बारे में ही बात कर रही हूँ कि वो क्या हम उसमें बहुत स्ट्रांग हैं। दो वो हमारी मदर लैंग्वेज है फिर भी हम इतने सारे सेंटेंस बोलते हैं, इतने सारे, मुझे ये नहीं पता है कि सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, इंग्लिश में उसे बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलते हैं। क्यों? ये इसलिए क्योंकि हम लोग ये सब प्रेफर कर रहे हैं कि इंग्लिश को ही सब कोई जानना है। नो डाउट, हाँ, इंग्लिश हर जगह जाना जाता है और इंग्लिश प्रेफरेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मदर टंग ही भूल जाएं। मतलब कि अभी के टाइम में बहुत ऐसा देखा गया है कि बच्चे इंग्लिश फटाफट बोल लेते हैं, मगर अगर उन्हें बोला जाए कि वही चीज़ को आप हिंदी में बताओ तो वो हिचकिचा जाते हैं, उन्हें एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता होती है। इवन मुझे नहीं पता है, मैं बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलती हूँ जिसमें मैं इंग्लिश वर्ड का यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे उसके हिंदी के वर्ड्स नहीं पता है। तो ये क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने मदर टंग्स को उतना वैल्यू नहीं दिए, उतने अपने बच्चों को वो नहीं सिखा पाए। मैं नहीं सीख पाई उनसे तो मैं कहाँ से सिखाऊंगी। तो ये अगर चलता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लैंग्वेज ही ख़त्म हो जाएगी और जो दूसरी लैंग्वेज है वो प्रेफरेबल हो जाएगी, वो बोली जाएगी। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी जो भी मदर टंग है, डजेंट मैटर, मैं वो हिंदी के लिए ही नहीं कह रही, आपकी जो भी मदर टंग है वो अपने बच्चों को आप ज़रूर सिखाएं, उन्हें बोलें, और उनसे जब बातें करते हैं तो आप अपने मदर टंग में ही कीजिए। उससे क्या होगा कि कल को जब आपके बच्चे उसी लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे, इंस्टेड ऑफ अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हैं तो वो कल को आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, वो एक फैमिलियर नहीं होता है, आप वो फील नहीं कर पाएंगे उस लैंग्वेज में। तो मेरी इस वीडियो के थ्रू मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों से जब घर में नॉर्मल बात वगैरह करते हैं या आपस में जब आप लोग पेरेंट्स लोग बात कर रहे हैं तो प्रेफर कीजिए कि आप अपने मदर लैंग्वेज में ही बात कीजिए ताकि बच्चे वो भी सीखें, उसे मिस ना कर दें। इंग्लिश तो वैसे भी स्कूल में सिखाई जा रही है तो इसे क्यों मिस करें? ये जो आप घर में सिखा सकते हैं, जो आप के पास अवेलेबल है, जिसके लिए आपको कोई एडिशनल करना नहीं पड़ेगा, कोई एडिशनल काम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस जो घर पे आप बात करते हैं बच्चे के सामने वो अपने लैंग्वेज में बात करें तो वो बहुत हेल्पफुल होती है बच्चों को कुछ वर्ड्स जो है वो पकड़ने में, सीखने में, एडिशनल लैंग्वेज सीखने में। इंग्लिश तो वैसे भी स्कूल में सिखा दिया जाएगा, आप मदर लैंग्वेज को सिखाइए अपने घर पे ही, अपने ही थ्रू, कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है। बी अ फर्स्ट टीचर ऑफ योर बेबी, be a first teacher of your baby and उसे अपनी ही लैंग्वेज भी ज़रूर सिखाएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मेरे चैनल शेयरिंग इज फन को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं। बाय बाय, टाटा, बाय टाटा, हिंदी में बाय।